मैं नूरपुर का ही नहीं बल्कि कांगड़ा जिला का नेता हूं और ऐसे में मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं पूरे जिला की बात करूं। ये कहना है नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया का। धलोड़ी और सुलियाणी पंचायत के दौरे के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि टांडा कॉलेज में नूरपुर क्षेत्र के कई मरीज जाते हैं जहां उनको उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। केसीसी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें 6 जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं। वहीं अगर डमटाल में राम गोपाल मंदिर जिसकी 1600 कनाल भूमि पर अवैध कब्जे हुए हैं, वो भूमि भी नूरपुर के राजाओं की दान की गई हुई भूमि है जिस पर कई अवैध कब्जाधारी कुंडली मारकर बैठे हैं। ये ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर आवाज उठाना बहुत ही जरूरी था। उन्होंने कहा कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो अपने मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करें, बल्कि इन कमियों को कैसे दूर किया जाए ये प्रयास होना जरूरी था। उन्होंने कहा कि ये सरकार जयराम की सरकार है और इसमें सभी विधायक और मंत्री टीम की तरह काम कर रहे हैं। केसीसी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के बहुत आभारी हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार की बहुत बड़ी जीत है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भंग किया गया है। उन्होंने कहा कि 3 महीनों में सरकार बैंक की दशा सुधारने में प्रयासरत थे, लेकिन बैंक के चेयरमैन और मैनेजमेंट पूरी तरह से भ्रष्टाचार में शामिल थी। उन्होंने कहा कि ये बैंक न होकर एक राजनीति का अड्डा बन गया था और अब जब भी चुनाव होंगे तो भाजपा के समर्थक चुनकर आएंगे और चेयरमैन भी भाजपा का ही होगा और बैंक की बेहतरी के लिए बेहतर रूप से प्रयास किए जाएंगे। अभी जैसे विधानसभा सत्र हुआ, जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। आपने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो न कि लोक विधानसभा संबंधित बल्कि एक ओवरऑल समस्या थी, जिसमें चाहे टांडा मेडिकल कॉलेज चाहे केसीसी बैंक हो, ये ऐसे मुद्दे जो ये मुद्दे दरअसल कांगड़ा से रिलेटेड थे और कांगड़ा के लोगों का बहुत दबाव था मेरे पर कि इन मुद्दों को कोई रेज नहीं कर रहा और कोई मुद्दों से, और हमारा ऐसा कोई मेरी कोई भूमिका नहीं थी विधानसभा में जहां मैं अपने ही मंत्रियों को कटखड़े में खड़ा करूं, ऐसा कोई प्रयास नहीं था। जयराम जी की सरकार है, सबकी सरकार है ये, और ये सब पूरे प्रदेश का भला करने की सरकार है। इसमें हमने प्रयास किया और वो प्रयास हमारा कामयाब रहा। हमने बड़े अच्छे और बड़े एक पॉजिटिव वे से जो है सारे मुद्दों को उठाया और उन मुद्दों का सरकार ने पॉजिटिव जवाब दिया और उनके ऊपर पॉजिटिव काम करना शुरू हो गया, रिजल्ट आ रहे हैं। विधानसभा का मतलब ये होता है कि जब जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो जनता की बातों को उठाएं और विधानसभा से अच्छा फोरम क्या मिले। प्रणय, आपने जैसे केसीसी बैंक का मुद्दा उठाया था, आज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रद्द कर दिया, भंग कर दिया गया, ये कहें ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी जयराम जी को बधाई देना चाहूंगा। देखिए पिछले 5 साल में, उससे पहले हमारी सरकार थी, धूमल जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, हमारा एमपी कभी 7.5 नहीं टपा, 7.5 सवा 8 के बीच में ही हमेशा एमपी रहा। वैसे भी आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है कि 10% के ऊपर अगर आरबीआई का जो एनपी चल जाए तो बैंक बंद हो जाता। ये 5 साल में जिस तरीके से इस बैंक को खाया गया, इसका एनपी 21% आ गया, और 21% आने के बावजूद भी आपने कोई कदम नहीं उठाया। छोटा छोटा लोन ही उसके घर में तो आप बदमाश भेज के ताले लगा रहे, और जो बड़े 20-20 करोड़ रुपए लेकर भागे हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो ये तो जो पंचायत जो लोगों की जो भावना है उसको कैसे क्रश करेंगे। हम लोग लगातार पिछले 3 महीने से प्रयास कर रहे थे कि इसको हम सुधारें, पर ये जो मैनेजमेंट थी और जो चेयरमैन था ये किसी हाथ आ नहीं रहे थे और इनको पूरी तरह ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इसको मैंने नियम 62 के तहत विधानसभा में इसको उठाया, इस पे मैंने डिस्कशन की और मंत्री जी ने मेरी बात का जवाब दिया और मंत्री जी वॉज वेरी पॉजिटिव। उन्होंने कहा मैं सीबीआई की इंक्वायरी कराऊंगा क्योंकि जो आपने बताया वो बहुत इरेगुलर है और ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है और सीबीआई की इंक्वायरी की जाएगी। जहां सीबीआई की इंक्वायरी सरकार ने मार की तो सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के निर्णय लिया विधानसभा के तुरंत बाद कि इंक्वायरी तो होती रहेगी, सीबीआई से हो या हमारी एजेंसी से करे वो अलग विषय, पर सरकार ने जयराम जी की अध्यक्षता में इस बात को निर्णय लिया कि हम इसको भंग करें इमीडिएटली, भंग करके ताकि जो हिमाचल प्रदेश के जो 6 जिले हैं जिसको ये केटर करता है उन लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आए। लोगों का विश्वास नहीं रहा कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में क्योंकि इस कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले ज्यादा और लोगों की सेवा कम। बंदर बांट हुई है इसमें जो बंदर 4 महीने से लोन कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। छोटे छोटे जो दुकानदार जो अपने लिमिट्स पे काम करते हैं उनको 1-2 लाख रुपए की रोज ट्रांजेक्शन करनी होती है, वो लोगों के काम ठप पड़े हुए। तो बैंक है नहीं कोई राजनीतिक अड्डा थोड़ा नहीं, बैंक को तो बैंकिंग के रूप से काम करना चाहिए। ये अब बैंक नहीं रहा था, ये एक राजनीतिक अड्डा बन गया था कांग्रेस सरकार का, तो इसको अब बंद किया। और मैं बहुत स्वागत करता हूँ आदरणीय जयराम जी की सरकार को और जयराम जी का खुद मुख्यमंत्री जी का कि आपने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, जो आपने इसकी पूरी मैनेजमेंट को भंग किया और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जैसे आप चुनाव कराएंगे भाजपा के समर्थक जो हैं सारे जीत कराएंगे और हमारा चेयरमैन बनेगा और बढ़िया बैंक चलेगा।